नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज द रिजल्टेंट ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिंपल हारमोनिक मोशंस ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी एंड अन इक्वल एम्पलीट्यूड बट डिफरिंग इन फेज बाय पाई बाय टू एज और हमारे ऑप्शन है सिंपल हारमोनिक सर्कुलर इलिप्टिकल या फिर पैराबोलिक अगेन बेसिक्स का सवाल है सुपर पोजिशन का सवाल है और मुश्किल नहीं है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमारे को जो कंडीशन दी हुई है पहली कंडीशन दी हुई है कि मान लीजिए आपका एक एक्स वन मोशन हो रहा है दैट इज ए वन साइन ऑफ ओमेगा टी दूसरा आपका जो मोशन है एक्स टू वो ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है सो so, इन दोनों के बीच में मोशन uh, जो है उसमें फेज़ का डिफरेंस पाई बाय टू है और दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग दिया हुआ है आपने को नाव इसी को अगर हम सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक्स टू विल भी इक्वल टू ए टू मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी बिकॉज साइन 90 प्लस सीटा आपका कॉस सीटा हो जाता है ना इसी क्वेश्चन को अगर हम ए वन से डिवाइड कर दें इसको ए टू से डिवाइड कर दें तो हमारा एक्स वन बाय ए वन विल बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा एक्स टू डिवाइडेड बाई ए टू विल बी इक्वल टू ओमेगा टी ये आपकी इक्वेशन नंबर टू हो गई ना इन दोनों इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमें बेसिकली x1 और x2 के बीच में रिलेशनशिप बताना है t की हमने सुपारी देनी है t को हमने उड़ाना है स्क्वायर करके ऐड कर देंगे ये हो जाएगा x1 स्क्वायर डिवाइड बाय a1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन बिकॉज हमें पता है कि साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा वन होता है सो so ये इक्वेशन जो है आपकी ये इक्वेशन बन गई एलिप्स की सो so अपना पाथ जो हो जाएगा वो एलिप्टिकल पाथ हो गया है ना एलिप्स की ये इक्वेशन बन गई नाउ अगर यहाँ पे ए वन और ए टू भी अगर बराबर होते तो ये इक्वेशन आपकी सर्कुलर हो जाती है उस केस में हम कहते हैं कि एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर होता तो उस केस में सर्कुलर हो जाता अब ये आपका बात इलिप्टिकल है एंड हैंस ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर